हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना। और आज रात के 2:07 पे मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स दूं। आप जो मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट्स लिखते हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके प्रश्नों को सुनना और फिर उनकी आंसर्स देना। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई प्रश्नों के आंसर्स मैं आपको यहाँ नहीं दे सकती हूँ, वो बड़े बड़े आंसर्स होते हैं। तो उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप पे अगर आप मुझे मैसेज कर देते हैं 9818130040 पे, तो उस पर मैं आपको ऑब्वियसली पेड कंसल्टेशन होती है, वहाँ आप पेड कंसल्टेशन लीजिए, मैं आपको ज़रूर सर्विसेज दूंगी। अदरवाइज मैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आपके प्रश्न के नीचे जो आंसर्स होते हैं मैं मोस्टली लिखती हूँ, ठीक है। कुछ लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ लोग बहुत ही तारीफ लिखते हैं, प्यार से जो है रिजल्ट्स लिखते हैं मेरे सॉल्यूशंस को, मेरे स्विच वर्ड्स को सुनते हैं, उन्हें अमल में लाते हैं और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, मिलते हैं। वो मुझे बहुत खुशी होती है कि उनको रिजल्ट मिले हैं। तो कुछ लोगों के मैंने सोचा कि वीकली जो है मैं कुछ कुछ आपके जो है प्रश्नों के उत्तर मैं आपको यहाँ देती रहूँगी। तो यहाँ पे हैं मोमिता मना जी ने मैसेज किया है, कौन से कलर का पेपर और पेन लेना है फॉर मेकिंग एनर्जी सर्कल। और इन्होंने वीडियो है 5 स्विच वर्ड्स फॉर लव रिलेशनशिप मैरिज। देखिए, जब भी लव रिलेशनशिप या मैरिज के लिए आपको एनर्जी सर्कल बनाना है तो हमेशा ध्यान रखिए पिंक कलर का पेपर लीजिए या रेड कलर का पेपर लीजिए और पिंक कलर से उसमें लिखिए। देखिए, जब भी शादी की बात आएगी या फिर मैरिज की बात आएगी या फिर लव रिलेशनशिप की बात आएगी तो उसमें हमेशा एनर्जी सर्कल पिंक या रेड या और पेन भी पिंक या रेड ही आप इस्तेमाल करिए। ज्यादा से ज्यादा गोल्डन कलर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और हम देखते हैं। अच्छा जी, कंप्लीट ब्यूटी विद 7 स्विच वर्ड फ्रेजेस में संगीता तसीवाल जी हैं। संगीता तसीवाल जी ने लिखा है, मैम दिन में 3 बार थोड़ी थोड़ी देर के गैप में भी कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी गैप में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको करते चले जाना है, बाकी सब कामों को छोड़ देना है। बाकी सब कामों को छोड़ के फिर करने में कोई मजा नहीं है। उपाय वो होने चाहिए जो आप करें आपको पता भी ना चले, इतनी इजीली करें आप उसको, स्मूथली करें और जिससे आपको स्ट्रेस ना हो कि मुझे ये उपाय करना है, मुझे ये उपाय करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बस इजीली एक मक्खन की तरह आप उपाय कर लें और किसी को भी पता ना चले और आपको भी पता ना चले कि हम उपाय कर रहे थे। तो बिल्कुल जी, आप थोड़ी थोड़ी देर के गैप में कर सकते हैं। ओके जी, अच्छा जी, मोहन सदावर्ते जी ने बहुत थैंक्स करा है। उनका कोई ब्लूटूथ कीबोर्ड का कुछ लॉस्ट हो गया था, वो मिल गया है, अरे कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा ओके, नाउ कम्स, हाँ जी, यहाँ पे हैं संगीता किशोर जी ने लिखा, हाय मैम, आई एम इम्प्रेस्ड वॉचिंग योर वीडियो, आई ट्राइड दीज स्विच वर्ड्स बट सॉरी आई कुडंट फाइंड माई लॉस्ट डॉक्यूमेंट इन माई ऑफिस, प्लीज सजेस्ट मी सम अदर। देखिए, अगर आप वाकई में आपके ऑफिस में वो डॉक्यूमेंट है तो वो जरूर मिलेगा आपको। इसका मतलब है कि वो डॉक्यूमेंट आपके ऑफिस में नहीं है। इसके लिए आप पेड कंसल्टेशन में से ले सकते हैं और उसमें मैं आपको बता सकती हूँ कि और इसमें क्या किया जा सकता है। ये भी बताया जा सकता है टैरो कार्ड्स के जरिए या फिर एस्ट्रोलॉजी के जरिए कि वो डॉक्यूमेंट आपका ऑफिस में है भी या नहीं है, या किस डायरेक्शन में ढूंढे वहां मिल जाए, तो वो भी हो सकता है। तो उसके लिए पेड कंसल्टेशन होगा, ठीक है जी। अच्छा जी ओके, वेदाश्री कसाबे ने लिखा है, प्लीज कमेंट द मंत्रा। देखिए, बार बार मंत्रा लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप खुद देखिए ना, मंत्रा बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, बहुत एनर्जी सर्कल बना है उसमें भी क्लियरली लिख रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा करिए ना। अब इतना बार बार नहीं लिखा जाता है, आप देखिए उसको, अब एक बार सुनिए, एक बार दो बार सुनिए, सुनने के बाद भी समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट्स में देखिए ना, लोगों ने इतने कमेंट्स में लिखे हुए हैं, वो भी लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे है राखी गंगवाल जी ने लिखा है, हेलो मैम, मेरे हस्बैंड और मेरे भाभी के बीच बात बंद हो गई है तो उनके लिए वो ये स्विच वर्ड लिसन बिटवीन एक्ट ओपन यूज कर सकती हैं। देखिए, सरोगेट कर सकते हैं,
सरोगेट हीलिंग होती है, सरोगेट चैंटिंग भी होती है, किसी के बिहाफ पे आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिख तो दिया हाँ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन इसीलिए उठाया क्योंकि देखिए जिसके साथ बातचीत बंद है वो अगर चैंट करे तो इस वाले स्विच वर्ड में, इस प्रॉब्लम में वहां पे काम आएगा। आप करेंगे तो उसकी इंटेंशन इतनी नहीं होगी क्योंकि चिंता आपको ज्यादा लग रही है, उनको नहीं लग रही है, तो वो इंटेंशन नहीं आएगा ना, ठीक है। बट फिर भी आप चैंट करिए, आपको कुछ ना कुछ फर्क जरूर मिलेगा। ओके ओके, देन 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 ढूंढ रही हूँ कुछ 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 कुछ, जितने मैं ले सकती हूँ उतने ले लेती हूँ। अच्छा जी, ई गोल्डन सनराइज ये है, इन्होंने मेरा वीडियो देखा है, स्विच वर्ड एनर्जी सर्कल टू गेट रिड ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, जो लेडीज में प्रॉब्लम होती है उनको प्रॉब्लम है। हाय, मैं प्रीति, 42 एज है, मुझे पीरियड बहुत हैवी होते हैं और मंथ में 2 बार होते हैं, उसके लिए प्लीज हेल्प करिए, मैं बहुत परेशान हूँ, इससे वीकनेस बहुत है मेरी, हेल्प कीजिए। देखिए बेटा, अगर आपने पर्सनल कंसल्टेशन लेके अपनी हेल्थ के लिए रीडिंग करानी है तो आप रीडिंग करवाइए, आपको फिर वो हम कस्टमाइज रीडिंग करके कस्टमाइज आपको स्विच वर्ड फ्रेजेस बना के देंगे। लेकिन यहाँ पे तो ये यूनिवर्सल मैंने दिए गए हैं, ये जिस वीडियो में आप लिख रहे हैं यही तो आंसर है, ये यूनिवर्सल है, इसको आप यूज करिए। अगर इसका यूज नहीं होता आपको तो आप मेरे से कस्टमाइज रीडिंग ले सकते हैं, वहां पे मैं आपको बहुत से उपाय बता दूंगी, ठीक है। ओके हाँ जी, मौमिता पांडे जी ने लिखा है क्रिस्टल्स वाले मेरे वीडियो में, मैम लव पार्टनर खुद से शादी की बात करे, खुद से मेरे पास आए, बहुत गुस्सा ईगो है, कैसे होगा, इम्पोर्टेंस नहीं देता है, प्लीज रिप्लाई। मैं मौमिता हूँ। मौमिता जी, ऐसा है, ईगो छोड़िए, प्यार में रिलेशनशिप में ईगो से जब भी आप काम करेंगे ना, आपको कभी उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। ईगो आपको भी, आप भी तो ईगो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो नहीं मना रहे, आप मना लीजिए। प्यार में कहाँ तेरी क्या मेरी, ये नहीं होता है। ईगो, ईगो को आप छोड़िए, साइड में रखिए और अपना 100% दीजिए। ऑटोमेटिकली जब आप अपना 100% देंगे तो ऑटोमेटिकली उधर से भी आपको 100% मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। तो अभी नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। वरना आपने जहां पे भी ये किया है, देखा है, चाहे क्रिस्टल्स वाले में आपने ये क्वेश्चन लिखा है, कोई बात नहीं, नहीं तो आप मेरे से फिर कस्टमाइज्ड, मेरे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, कस्टमाइज्ड हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पे भी कोई आरपीएस है, वो भी आप कस्टमाइज्ड मेरे से लीजिए, उसी में हो पाएगा आपका भी सॉल्यूशन पर्सनलाइज, आपको कस्टमाइज पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन लेना होगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे लिसन बिटवीन एक्ट ओपन में लिखा है श्री साई ने, हाउ इफ वी गेट कॉल फ्रॉम रॉन्ग पर्सन मीन्स सो टू मैनिफेस्ट कॉल फ्रॉम स्पेसिफिक पर्सन। यस, कॉल फ्रॉम स्पेसिफिक पर्सन, कॉल फ्रॉम स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए, जब आप कोई आपसे बातचीत नहीं कर रहा उनके लिए है ये, ठीक है जी, ठीक है। ओके, कनिका बजाज जी ने लिखा है एनी स्विच वर्ड फॉर समवन रियलाइज दिस मिस्टेक, एवरीबडी थिंक्स दैट पर्सन इज परफेक्ट। आप किसी से भी बात कर लीजिए तो कनिका जी, अगर वो सोच भी रहे होंगे ना तो भी नहीं बोलेंगे, वो आपको समझना पड़ेगा, है ना। ये रियलाइज, ये देखिए, हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, हम दुनिया को ठीक नहीं कर सकते हैं। आप अपने अंदर चेंज लेके आइए, उनकी बातों को आप जरा मत सोचिए, उनके जो रियल उन जो मिस्टेक्स उन्होंने करी वो आपकी नजर में मिस्टेक है, उनकी नजर में मिस्टेक नहीं है, उनके हिसाब से ठीक है तभी उन्होंने किया। तो ये आप अपने आप को बदलिए, उनकी उन चीजों को नजरअंदाज कर दीजिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो, ठीक है। एंड देन 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 मैं से वो क्वेश्चंस ले रही हूँ, थोड़े से आगे भी लेती रहूंगी, वीक में एक बार तो ये सेशन जरूर करूंगी मैं आप लोगों के लिए, मैंने ये सोच लिया क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैं आंसर्स नहीं दे पाती हूँ, ठीक है जी। और हाँ, मैम कैन बी पुट इजी अंडर अ पिलो और सीक्रेटली, नो यू हैव टू ब्रॉडकास्ट। मैंने अपने एक वीडियो में क्लियरली बताया हुआ कि आप नहीं लिख सकते हैं पेन से
पानी ऐसे फिंगर को पानी में डिबो के उससे आप लिख लीजिए, वो सूख जाएगा पानी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कागज पे क्या लिखा था, मैनिफेस्ट तो हो गया ना। चीजों को समझिए, इसी करिए, उन्हें छुपाएंगे वो करेंगे तो आपके अंदर डर है ना, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। जो चीज गलत होती है उसी को छुपाई जाती है, हमेशा याद रखिएगा। इसलिए अगर आप छुपा रहे हैं दैट मीन्स इट्स रॉन्ग, उसको प्रैक्टिस करिए। नहीं लिख सकते पेन से, पानी से लिखिए, डिप करके फिंगर उससे आप लिखिए जैसे कि आप पेन से लिख रहे हैं, इट विल वर्क। किसी ने तो मुझे यहां भी लिखा कि पिलो के नीचे, अरे पिलो के नीचे भी नहीं लिखना, ब्लैंक ये कर्टेन के पीछे भी नहीं लगाना, फिर वो ब्रॉडकास्ट नहीं होगा ना, बात को समझिए आप। ओके ओके, हाँ यहाँ किसी ने लिखा, चलिए मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने बहुत कुछ बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स ले लिए हैं, इससे ज्यादा लूंगी तो आप परेशान हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट एक वीक में और बहुत सारे मैसेजेस इकट्ठे हो जाएंगे, और जब भी आपने ये देखना है ना कि कौन सा स्विचवर्ड क्या असर कर रहा है, तो आप नीचे के कमेंट जरूर पढ़ा करिए, आपको उनसे समझ में आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इसमें कोई चीटिंग नहीं है, ये आप लोगों के लिए ब्रॉडकास्ट किया हुआ है, जो लोग देखते हैं उनको जैसा लगता है, जो रिजल्ट्स आते हैं वो नीचे रख देते हैं, हाँ ठीक है। और क्वेश्चंस भी हो तो आप जरूर मुझे लिखिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर लाइक कमेंट तो बनता ही है, प्लीज 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 कर लीजिए, अच्छा लगता है। और फिर और मन करता है ना आप लोगों के लिए ऐसा करो, आपके लिए वैसा करो, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करो, फिर करेंगे, जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे वैसे वैसे हम आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी करेंगे। और यस, अगर आपने कुछ जाना है, मुझसे मिलना चाहते हैं या मेरे से रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करिए, मैं आपको अपना एनर्जी एक्सचेंज के पोस्ट अलग अलग पैकेजेस में आपको बता दूंगी, आप पे करिएगा, फिर मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भी दे दूंगी, उसके बाद हम अपॉइंटमेंट आपका फिक्स करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना रीडिंग करेंगे। जो जो पैकेजेस हैं वो आप देख सकते हैं। और अब तो अगले महीने वैलेंटाइंस भी आ रहा है, उसके लिए भी मेरे पास बहुत कुछ है, जितने भी लव बर्ड्स हैं उन लोगों के लिए। तो चलिए अभी के लिए मुझे आके दीजिए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट, ओके मुझे बूस्ट अप करने के लिए। चलिए, आई एम ऑलवेज विद यू, डोंट यू वरी एवर, बस कीप वॉचिंग कीप वॉचिंग कीप वॉचिंग, थैंक यू। गाना गा तू कोई। जीवन के दिन हम भी बड़े दिल वाले, गाना भूल गई मैं, आज सच्ची में भूल गई। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हिम्मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हिम्मत वाली। ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, दिल तोड़ना ही न जाने जाने दिल जोड़ना भी। इस जिंदगी का शुक्रिया, सदके में ऊपर वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हिम्मत वाले। सब लोग ला ला रे ला 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 ला, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे
जो हम्मत वाली, सोचे जो हम्मत वाली, सोचे जो हम्मत वाली। लव यू ऑल, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप फिट, कीप हेल्दी। शब खैर।